हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पेड़ा। जैसा कि आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है और मैंगो बहुत आ रहे हैं, तो सोचा क्यों ना कोई मैंगो से डिश बनाई जाए। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैंगो पेड़ा। तो आइए शुरू करते हैं मैंगो पेड़ा बनाना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पेड़ा। मैंगो पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है एक मैंगो, जिसकी कि मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। 1 गिलास दूध का है यहाँ पर, कोकोनट पाउडर है, 1 कप कोकोनट पाउडर का है, और 2 चम्मच बड़े चीनी के हैं। तो आइए शुरू करते हैं मैंगो पेड़ा बनाना। तो मैंगो पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, और इस पैन में अब मैं 1 बड़ा चम्मच भरकर घी का डाल रही हूँ। तो अब ये जो ऑयल है हमारा वो गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कोकोनट पाउडर, और अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। हमने फ्लेम को स्लो ही रखा है, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, और इसे हम धीरे धीरे भून लेंगे। इस कोकोनट पाउडर को हम तब तक भून लेंगे जब तक कि इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। ये कोकोनट पाउडर जो है आपको किसी भी किराना की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो हमारा कोकोनट है ये हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 गिलास दूध का। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैंगो पल्प। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। तो ये देखिए ये पहले से कितना थिक हो गया है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 चम्मच चीनी के, क्योंकि मैंगो में भी थोड़ा मीठा होता है, आप चीनी जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। तो ये देखिए ये पहले से भी बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, अभी हम इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे। तो इसको हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए ये बहुत थिक हो चुका है, अभी हम गैस को कर देंगे बंद और इस मटेरियल को ठंडा कर लेंगे। और जो हमने नारियल पहले डाला था, नारियल का पाउडर, उसमें से आप थोड़ा सा रख लीजिएगा, सारा मत डालिएगा, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग जो करनी है वो ऊपर से नारियल की पाउडर की ही करेंगे। तो उसे आप थोड़ा सा रख लेना, और अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए जो मटेरियल है ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो आइए अब हम इससे पेड़े तैयार कर लेते हैं। हम बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे, ऐसे हम इसको गोल बना लेंगे। आप चाहे तो इसको लड्डू की शेप भी दे सकते हैं, तो वो आपके मैंगो लड्डू हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये नारियल का पाउडर लिया है, इसमें हम इसको डिप कर देंगे। और ये देखिए ये जो हमारा नारियल का पेड़ा जो है वो एकदम रेडी है। और ऐसे ही हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे, छोटे बड़े आप जैसे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये देखिए ये पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर एक एक पिस्ता लगा देती हूँ, इससे ये अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए ये हमारा मैंगो पेड़ा जो है वो बनकर एकदम रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।